ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पहुंचने लगे हैं। कल हमने बॉक्सर अमित पंघाल के बारे में आपको बताया, आज जानिए शूटर मनु भाकर के बारे में। 19 साल की मनु, कैसी है तैयारी उनकी, और खुद उनके ही परिवार से आपको सुनवाते हैं। देश की उम्मीद, देश का भरोसा, देश की शूटिंग का भविष्य और वर्तमान। मनु भाकर टोक्यो पहुंच चुकी है। मनु भारत से लेकर क्रोएशिया तक तैयारी करके टोक्यो पहुंची। मनु का टोक्यो में प्रदर्शन एक नई सुपरस्टार का ऐलान करेगा। कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का तो ड्रीम होता है ओलंपिक पोडियम पे, जब अपना नेशनल फ्लैग ऊपर जाए, जो कि जस्ट गोल्ड में ही आने पे ही होता है। ड्रीम तो यही है, और मेरा ही नहीं, पूरे देशवासियों का आशीर्वाद और प्यार बना रहे तो शायद ये ड्रीम बहुत जल्दी सच हो जाएगा। युवा शूटर मनु टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में हिस्सा लेंगे, जबकि डबल्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी के साथ खेलेंगे। इस जोड़ी को मेडल का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ISSF विश्व कप में भाकर सौरभ ने साथ मिलकर गोल्ड जीता है। कुल मिलाकर मनु 3 मेडल के लिए दावा पेश करेगी। 19 साल की उम्र में मनु ने देश के लिए क्या क्या हासिल किया है वो देखिए। विश्व कप में 9 गोल्ड और 2 सिल्वर, यूथ ओलंपिक गेम्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड, एशियन शूटिंग विश्व कप में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। वैसे तो नेचुरल स्पोर्ट्स पर्सन है कि उसको जहाँ पे भी गेम में मैंने डाला वहाँ पे वो मेडल लेके आई। और जैसे बिल्कुल सब जूनियर में थी 6-7 साल की, तभी वो बॉक्सिंग खेलती थी, उसमें भी उसने अच्छा किया। फिर स्केट खेलती थी, बहुत बढ़िया किया। लॉन टेनिस भी बहुत अच्छा करती थी। फिर स्कूल में जो जो गेम मनु के स्कूल में, यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में जो थे, वो सारों में हाथ आजमाती थी वो। मनु भाकर ने तैयारी जोरदार की है, इसके लिए वो सोशल मीडिया से भी दूर है। अगर ओलंपिक में मनु इतिहास रच देती है तो भारतीय खेलों की नई पोस्टर गर्ल वही होगी। ABP News आपको रखे आगे।